चॉकलेट खाओगे? यही है वो मंदिर में सुतेल, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं वीरा, अभी नहीं, इनके साथ दो औरतें और भी हैं, पहले उन्हें आ जाने दो, फिर तीनों को साथ में पकड़ लेंगे। तुम्हारे लिए तो मैं गोली चला दूंगी। तो हिलना मत। ये तीनों सुधेल तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आपको अगर बंदूक चलानी आती है ना तो मही भाभी को मस्त नारियल फेंकना भी आता है। मारो, मारना ही चाहिए। क्या कर रहे हो? मैं तो बच्चे को चॉकलेट दे रहे थे। चुप हो जा। अरे मनोज, मनोज लियो, जल्दी मारो, 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 मारो। अरे रुको रुको रुको, अरे रुको, कोई इन लोगों को कुछ नहीं करेगा। हमें इन तीनों से काफी सारे खोए हुए बच्चों की जानकारी निकलवानी है, इन्हें पुलिस के हवाले करके किडनैपिंग के सारे राज उगलवाने हैं इनसे। इसलिए प्लीज आप लोगों में से कोई भी इन्हें हाथ मत लगाइए और हमें शांति से इन तीनों को पुलिस के हवाले करने दीजिए। चलो तीन देविया, आप लोगों ने बच्चों की बहुत डिलीवरी करवाई, अब हम आप तीनों को पुलिस स्टेशन में डिलीवर करते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं भाभी, इन लोगों ने मेरे बंटी को अगवा किया है। बताओ कहाँ मेरा बंटी है? ये तेली इसलिए नहीं है, बंदूक है, चल जाए तो थून हो जाता है। पागल भैया ठीक कहते हैं, इनको पुलिस के हवाले तल देते हैं, वही साली बात उदलवाएंगे। चला चलो लेके चलो चलो चलो। कन्हैया मैडम को बोलना लातूर साहब से फोन करे। चंदू, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैडम ने बात की ना लाठोल साहब से। शांति लाल, क्या बातें करी है लाल? मैडम ये चंदू पूछ रहा है कि लाठोल साहब कब तक आएंगे। आ जाएंगे चंदू, जल्दी ही आ जाएंगे। जितनी जल्दी तुम्हें है अपने बेटे से मिलने की, उतनी ही जल्दी हम सबको है। अंशुया मैडम, अरे मेरा बंटी, मेरा बंटी। मेला बंती मिल गई। मई भाभी अपनी हिम्मत ना दिखाई होती, पता नहीं मेरे बंती का क्या होता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बंती को बताने के लिए। अरे इन्होंने सिर्फ तुम्हारे बच्चे को नहीं बचाया, पूरे 21 बच्चों को बचाया है इन्होंने, उनको नई जिंदगी दी है। 21 बच्चे, सारे बच्चे मिल गए? हाँ मैडम, हमें उस किडनैपर औरत के पास से पूरी 21 बच्चे बरामद हुए हैं और सही वक्त पर ये लोग पकड़े गए हैं, वरना परसों ये लोग हर एक बच्चे को पांच पांच के ग्रुप में अलग अलग राज्यों में भेजने वाले थे। ओ बाप रे। और मैडम एक खुशखबरी है, सरकार की तरफ से आपको किडनैपर गैंग को पकड़वाने का इनाम मिलेगा। राठौर साहब, ये इनाम के पैसे आप चंदू भाई को दे दीजिए, बंटी की परवरिश के लिए काम आएंगे। वेरी गुड भाई, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने अंधेरे में तीर तो मारा लेकिन सही निशाने पे लग गया, इससे दुश्मन भी घायल हो गया और हमें भी फायदा हुआ। लेकिन हर बार अंधेरे में मारा हुआ तीर सही निशाने पे नहीं लगता, ये बात ध्यान में रखना। हाँ मॉम, जैसे वो महीने छगन अंकल को रख के नारियल मार दिया था। उस वक्त अंधेरे में तीर मारा महीने, लेकिन लग गया छगन भाई को। लेकिन एक बात तो है, वो तीन अपहरण करने वाली औरतें थी, उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि उनका पाला मही मेहता जैसी गुंडी से पड़ा है। हाँ हाँ, लेकिन इस गुंडी की गुरु तो आप ही हो ना। चुप बोलो।